ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभी हम दिल्ली के सरता विहार फ्लाईओवर पर हैं, जिसको मरम्मत कार्य की वजह से अगले 30 दिनों तक बंद करने का ऐलान किया गया है। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है यहां पर पोस्टर लगा दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है मार्ग परिवर्तन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस पर लिखा हुआ है सरता विहार फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और बदरपुर और फरीदाबाद की ओर जाने वाली यात्री जो है वो बाएं तरफ मुड़े और नीचे दिल्ली यातायात पुलिस। बता दें जो है जो फ्लाईओवर है वो जो व्यस्तम सड़क है और इस पर बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रतिदिन जो है वो चलती हैं, और जब यह बंद होगा मरम्मत कार्य की वजह से तो लोगों को परेशानी बढ़ेगी। उसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई है और जो है ट्रैफिक जो निर्देशिका है उसको जारी की गई है और लोगों से वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि जो लोग आश्रम के पास से फरीदाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ जाना है वे लोग DND होकर नोएडा की तरफ जाएं, वहीं जो लोग फरीदाबाद जाना है वे मोदी मिल फ्लाईओवर के पास से माँ आनंदमयी मार्ग को लेकर के आगे फरीदाबाद की तरफ जाएँ, वहीं जो लोग यहाँ फ्लाईओवर के पास आएँ वे लोग जो हैं यहाँ से बाएँ मुड़ कर रोड नंबर 13 के तरफ जाएं और यू टर्न लेकर के फिर आगे मथुरा रोड पर मिलें और फिर अपने आगे फरीदाबाद के तरफ जाएं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लेन आश्रम के तरफ से बदरपुर के तरफ आ रहा है उसी लेन पर पहले मरम्मत का कार्य शुरू होगा और फिर आगे क्रम वाइज जो है इसके पूरे निर्माण को किया जाएगा। बता दें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर है इसके मरम्मत के लिए पूरे फ्लाईओवर को एक साथ नहीं बंद किया जाएगा बल्कि क्रमशः इसको बंद किया जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देश को माने तो पहले जो लेन आश्रम से बदरपुर की तरफ जा रहा है उसके मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा और फिर जब इसका मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा तो जो ट्रैफिक सरता विहार से आश्रम की तरफ आ रहा है उसका मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा और इसी तरीके से बारी बारी से इसके मरम्मत के कार्य को किया जाएगा। यह जो सड़क आप देख रहे हैं सड़क जो है मथुरा रोड है, जो दिल्ली के एक व्यस्तम सड़कों में से एक सड़क है जो दिल्ली को मथुरा से और फरीदाबाद से जोड़ता है, जिस पर लाखों की संख्या में गाड़ियों की आवाजाही प्रतिदिन होती है और जब इस सड़क पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पर परेशानी होगी और जो कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा तो जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तैयारियाँ की गई है और जो है लोगों से बैनर पोस्टर लगा करके ट्रैफिक निर्देशिका जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि लोग वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल नोएडा और फरीदाबाद जाने के लिए करें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है और उस दौरान गाड़ियों की क्या संख्या है मथुरा रोड पर सरता विहार फ्लाईओवर पर, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पीक आवर में और दिन के समय में इसकी स्थिति क्या होगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सरता विहार फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जिसको मरम्मत किया जाना है। अगर ट्रैफिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की माने तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इस पर मरम्मत कार्य चलेगा और इसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा निर्देशिका जारी की गई है। बता दें पिछले साल जून महीने में भी इस फ्लाईओवर को मरम्मत करने का जो है निर्णय लिया गया था और ट्रैफिक निर्देशिका जारी की गई थी, लेकिन उस दौरान किसी कारणवश इसका जो मरम्मत कार्य है वो नहीं हो पाया था और फ्लाईओवर को भी बंद नहीं किया गया था, लेकिन अब इस फ्लाईओवर को एक बार फिर मरम्मत करने का निर्णय लिया गया है और इसको मरम्मत कार्य की वजह से 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यानी आज मंगलवार से लेकर अगले 30 दिनों तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। आंशिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है, एक कैरिज वे पहले किया जाएगा, जो ट्रैफिक आश्रम से बदरपुर की तरफ जा रहा है उसको पहले किया जाएगा और इसको मरम्मत करने के बाद फिर जो ट्रैफिक सरता विहार से आश्रम की तरफ आएगा उसको मरम्मत किया जाएगा। इस तरीके से पूरे 30 दिनों में इस पूरे काम को किया जाएगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।